사주되 오랜과 강구하는 이제 음악한도 만드나 까름 약담 예나 저라저름 닷바담 달시담 예나 तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कर्ण सागर प्रभु जी के प्रेम भक्ति से बंधु भाई और बहनों, ये सच है कि हमने अपने जीवन की एक निधि प्राप्त कर ली जब हमें प्रभु जी मिल गए। बिना पूर्ण सद्गुरु के मिले तो जीवन ऐसा समझना चाहिए जैसे प्राणहीन कोई व्यक्ति होता है। इसलिए कहते हैं गुरु तो प्राणाधार होते हैं, और इसीलिए मनुष्य को कहा कि मनुष्य को गुरु प्राप्त करना उसी तरह जरूरी है जिस तरह पक्षी को दूसरा जन्म लेना पड़ता है। अगर पक्षी अंडे में रहे तो पक्षी बनेगा ही नहीं, या दांत को दोबारा उगना पड़ता है। अगर दांत दोबारा न उगे तो मनुष्य बूढ़ा रहेगा। इसी तरह मनुष्य को अगर गुरु नहीं मिले तो मनुष्य अधूरा रहेगा। इन तीनों चीजों को शब्द कोश में द्विज कहते हैं। अगर आप डिक्शनरी देखें संस्कृत की या हिंदी की तो वहां द्विज शब्द आपको अगर मिले तो आपको तीन अर्थ मिलेंगे, पक्षी और दांत और द्विज अर्थात मनुष्य जिसने गुरु धारण किया है। बिना गुरु के तो मनुष्य के ऊपर ऐसा ही कोई नहीं होता जैसे हाथी नगर में आ जाए और उसके ऊपर कोई महावत ना हो या महावत के पास अंकुश ना हो तो उपद्रव मचा देगा। गुरु का मनुष्य इसी तरह संसार में आकर संसार की व्यवस्था बिगाड़ देता है, वो धर्म के विरुद्ध कर्म करने लग जाता है। धर्म क्या है? धर्म है जो संसार को धारण कर रहा है, जिसे योग में यम नियम कहते हैं, अहिंसा या सत्य कहते हैं। संसार तो इन्हीं पर खड़ा है ना, सच्चाई के ऊपर संसार खड़ा है, अहिंसा के ऊपर खड़ा है। अगर सच्चाई ना हो तो किसी का साथ कोई विश्वास ना करे, यदि अहिंसा का पालना करे तो मारकाट ही संसार का धर्म बन जाए। तो योग धर्म है और गुरु धर्म सिखलाता है, परंतु गुरु को प्रभु को प्राप्त कर लेने काफी नहीं होता। प्राप्त तो बहुत कर लेते हैं, स्कूल में दाखिल होकर टीचर का स्टूडेंट बनने काफी नहीं होता, पढ़ना भी होता है। प्रभु जी योग योगेश्वर है, योग लेके आए हैं, योग का उद्धार करने आए हैं, तो ये नहीं कि वो उनके शरीर ही केवल हमारे लिए है। जहाँ उनका शरीर है जिसका हम ध्यान करते हैं, जिसके चरणों से हमें आशीर्वाद मिलती है, वहां को उपदेश भी है। और वो उपदेश क्या है जिनको हम योग कहते हैं? जिन लोगों को पूर्ण गुरु नहीं मिले वो योग को भी नहीं समझते। हम बहुत यहाँ या बाहर विदेशों में देखते हैं, सुन जाते हैं तो वह कहते हैं हमने योग करना है, एक उनको गुरु मिल जाता है उन्हें समाधि में बैठा दूंगा, और उनको मिलता कुछ भी नहीं है। कईयों को सुना है जी हमें तो योग नहीं चाहिए, हमें तो कुंडलनी जागृति करनी है। उनको क्या मिलेगा? नाम सुना है कोई कहे मैंने भी अपने साथ कोई डिग्री लगानी है, तो डिग्री लगा लेना ही काफी नहीं होता, डिग्री के लिए तैयारी भी करनी पड़ती है। तो प्रभु जी
ये जो योग की परिभाषा हमारे सामने रखी है वो है कि हम जो योग के लिए तैयारी होती है, ऊंची समाधियों ध्यान आदि के लिए तैयारी होती है, वो पहले है, ना कि समाधि पहले है। और वो तो आप जानते हैं कि योग शुरू होता है यम नियम से। और यम नियम क्या है? अगर मोटे शब्दों में यम नियम को कहें तो यम नियम एक शुभ कर्म है और कुछ नहीं। तो कर्म को उन्होंने एक विस्तार रूप से योग के ग्रंथों में दिया। प्रभु जी ने यही हमें समझाया कि इन पर चलो, ये कर्म है। कर्म ही हमारे जीवन का आधार है। जब हम पैदा होते हैं तभी से हमें कर्म कर हम कुछ ना कुछ करने लग जाते हैं, वो कर्म होता है। तो चाहे हम बुरा कर्म करें चाहे अच्छा करें, बच्चा है चाहे वो गालियां देने लग जाए चाहे वो प्यार से बोलने लग जाए, कर्म है। तो परंतु वेदों से लेकर यही शिक्षा मिलती है कि कर्म के ऊपर ध्यान देना है। योग में ये शिक्षा मिलती है कि कर्म के ऊपर ध्यान देना है। हम क्या कर्म कर रहे हैं इसको देखें, और जो किए हैं उनको भी देखें, जो करने हैं उनको भी देखें। इसलिए वेद के अंदर एक उक्ति आती है, कृतम स्मर। अगर तुमने किसी चीज को याद करना है तो कर्म को याद करो, जो किया है उसको याद करो कृतम, और उसके आज जो कर रहे हैं उसको देखे क्या करना है और आगे क्या करना है, इसको तक कृतम स्मर, कर्म को याद करो। कारण ये कि जो कर्म करते हैं उसका फल अवश्य मिलता है। बिना अब हम आए हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के हम हमारी शक्लें हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के विचार हैं, भिन्न प्रकार की अवस्थाएं हैं, भिन्न प्रकार के संपत्ति है, भिन्न प्रकार के वंश हैं, ये कर्मों के अनुसार है ना। और वो जो हमारा वैदिक सिद्धांत है उसको तो संसार में कोई झुठला ही ना सकता। कोई धर्म सब उसी पर निर्भर है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो हम शुभ या अशुभ कर्म करते हैं उसका हमने अवश्य भोगना है, और उसी को हम भोग रहे हैं। तो इसने कहा कि कर्म की ओर ज्यादा देखें। हम स्कूल में बच्चा पढ़ता है तो जो आएगा पढ़ाई की तरफ देखेगा, ये नहीं देखेगा कि स्कूल में पढ़ता है या इसको दाखिल हुआ है या मास्टर जी की सेवा करता है। आगे ऐसे स्कूल थे जहां पुराने मुसलमानों के जमाने के अंदर तो हुक्के का रिवाज था, उन्हें मानकर ये व्यसन भारत में लाया। बादशाह से लेकर एक गांव में हाल चलाता हुई हुक्का उसके हाथ में होता था, तो मास्टर भी हुक्का पीते थे स्कूल में। मास्टर हुक्का पी रहे हैं, आपने देखी नहीं चीज। भारत की दुर्दशा बहुत पुरानी से बहुत बुरी रही है। मास्टर हुक्का पी रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, बादशाह दरबार लगा रहा है, दूर हुक्का पी रहा है। ये एक बीमारी चली थी। बाद में ये जब अंग्रेज आए, उन्होंने बीमारी दूर की, ये क्या भूखा खा लेते हैं, उन्होंने हमारे लिए सिगरेट ला दिए, सिगरेट पियो, तो सिगरेट चल पड़े। मैंने सिगरेट तो थोड़ी बाल पियेंगे, उन्होंने पाइप लगा दी अपने लिए, बड़े बड़े साहब होते थे पाइप, जो वो साहब है जो सिगरेट है गरीब आदमी है, और जो गांव में रहने वाले भूखा पीते हैं। आज हम उन सब चीजों को भूल चुके हैं, अब भूल जाना चाहिए, नहीं भूलते तो योग के प्रतिकूल चीज है। तो अब अगर बच्चा बच्चों क्या करते थे, मास्टर जी कुछ तो पढ़ते रहते थे, और किसी को कहते जाओ मेरी चिलम भर लो। क्या क्या होता था आपने बहुत सारे देखा नहीं है, एक नली एक
उसे टोपी कहते थे, मिट्टी की टोपी हुक्के के ऊपर रखी थी, एक नली होती थी बीच में, एक झरनी जारी होती थी, पानी होता था, तो पानी भी साफ करना होता है। हुक्का नया भर के ला उसमें चिमच में तम्बाकू डालना होता है, तम्बाकू में आग की लिंगारी रखनी होती है। तो ये सारा काम मास्टर जी, क्या मास्टर जी के पास 10 रुपये तो मास्टर को तनख्वाह मिलती थी और 10-20-25 बच्चे पढ़ाने होते थे। अब उसके पास कौन था, और एक दो जो विद्यार्थी होते हैं उनको इसलिए काम रखा था, जाओ मेरे चिम आग भर लाओ, चिम भर लाओ, उनका धो के लाओ। अब वो जो सेवा करते थे उनको पढ़ाई थोड़ी आएगी। इसी तरह जो पढ़ेगा उसको पढ़ाई आएगी, पास वो होगा, उनका पढ़ने वाला तो पास नहीं होगा, चाहे मास्टर की सेवा करते हैं। इसी तरह अब हम केवल प्रभु जी को ये कहें कि प्रभु जी हमारे आए हैं, लेकिन प्रभु जी का जो हमें कहते हैं उपदेश ये कि कर्म अच्छे करो। अगर कर्म अच्छे ना करोगे, हम बुरे कर्म करेंगे तो क्या प्रभु जी हमें बचा देंगे? वो तो कहते हैं अच्छे कर्म करो। वो तो गुरु शिक्षा देने के लिए आता है, गुरु बचाने के लिए नहीं आता। जैसे वो एक आप जानते हैं ईसाई धर्म में, वो कहते हैं जो मर्जी करते चले जाओ। ईसा मसीह ने अब जो फांसी ली है ना, वो हमारे कर्मों को धोने के लिए है। तो एक गलत मतलब शिक्षा है ना। अब जो शिक्षा मिलती है लोग वही मानने लग जाते हैं, उधर शराब पीते हैं, उधर मांस खाते हैं, वो करते हैं, वो खाते हैं। तो आगे तो भाई बात ये क्या है, ये एक फल नहीं देंगे। ईश्वर किसी जीव की हत्या करेंगे तो क्या ईश्वर माफ कर देगा? चाहे हम किसी भी प्रभु जी के चाहे शिष्य, चाहे हजरत मोहम्मद के शिष्य, चाहे ईसा मसीह के शिष्य, ईश्वर तो सबसे ऊपर है ना। ईश्वर का न्याय तो सबसे ऊपर है। वो तो किसी की सिफारिश नहीं मानता, नहीं जी ईसा मसीह सिफारिश कर देगा या प्रभु सिफारिश कर देंगे, सिफारिश कोई नहीं करता। ईश्वर के नियम को कहते पालन करो। तो अब ईसाइयों की बात कर रहे थे, एक दिन होता है ईसाइयों का, उस दिन हमने देखा है, मैं माता तो मैंने लिख दिया था, देखो क्या कर रहे तुम। उस दिन वो एक टर्की होता है पक्षी, इतना बड़ा मुर्गे से 4 गुना बड़ा होता है, वो हर एक आदमी एक एक टर्की मारता है, खाता है। थैंक्स डे कहते हैं उसको, थैंक्स गिविंग डे। अब थैंक्स तो भगवान का करते हैं और भगवान की टर्कियों को मारकर खाते हैं, लाखों टर्कियां मरती होंगी उस दिन। तो मैंने कहा कि वाल्मीकि ने देखा एक शिकारी ने एक पक्षी को मारा था, जिसे हम इस भाषा में क्रौंज कहते हैं, कुंज, कुंज को मारा, दो थे और उसने मारा, वाल्मीकि मार रहा था, उसके बड़ा दुख हुआ, देखो दो पक्षी हैं, इसने एक को मार दिया। तो उसने उसी वक्त उसके हृदय से एक शाप निकला, मान शाद एम शिकारी, तुम्हें जन्म जन्मांतर में सुख न मिले, तुमने दो पक्षियों से एक मार दिया। वो जो अकस्मात भगवान ने उसके मुख से एक श्लोक निकाल दिया, घर में आकर सोचा कि ये क्या नहीं आया कि मेरे कभी उस दुख के शोक की हालत में एक ऐसी पद निकला है जो मैंने कभी नहीं सुना इस तरह का। तो वो जो मान शाद शाश्वतम गम पक्षी, तो कभी भी सुख को प्राप्त ना हो शिकारी। तो कहते हैं ऊपर से उसे आवाज आई, उसी वक्त जो ध्यान के लगा था कि ये जो शब्द मैंने ही तुम्हारे हृदय से निकाले और तुम्हारे अंदर एक नई काव्य की रचना जागृत हुई है, तुम एक कवि बन जाओगे, क्योंकि करुणा से कवि कवि बन गए। पर वो कवि कैसे बने, क्या कवि पहले नहीं थे? उससे पहले जितनी कविता होती थी ना, वो मंत्र कहते थे उसको, वेद वेद मंत्र, वो 3 लाइनों के होते हैं, भूत तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। 3 है ना। अब
कहा ये अब जो कविता है चार लाइन हो गया, गाय भी सकते है, तो उसने कहा ये कविता है, अब तुम इस कविता से भगवान राम अवतरित हुए हैं, वे थे, उसकी वाल्मीकि का तो टाइम का पता नहीं होता। उन्होंने कहा इतिहास इस कविता में लिखोगे, उसको वाल्मीकि की रामायण कहते हैं, और वाल्मीकि को वेदों के जो बने उनको तो मंत्र दृष्टा कहते हैं जिनने वो मंत्र लिखे, और वाल्मीकि को कहते हैं आदि कवि, पहला कवि हुआ है। और उस कविता के बाद जितने जितने कवि संस्कृत ग्रंथ लिखे हैं उस श्लोक में ले गए, यदा यदा ही धर्म से ग्लानी भवती भारत, दूसरा होगा यदा यदा ही धर्म से ग्लानी भवती भारत, मैं दो ना इस तरह चार बनते हैं, धर्म संस्थापनार्थम स्वयं भवामी योगे योगे, ये संस्कृत की कविता शुरू हो गई। अब ये चलती रही, अब भी चलती रही, चल रही है। तो क्या वजह कि हमारी कर्म है वो माफ नहीं होते, और अगर हम लाखों टर्कियों को, लाखों भेड़ों को, चाहे देवताओं के आगे बलिदान ही देंगे, भगवान के लिए ना कोई देवता है ना कोई मनुष्य, उनके लिए सब समान है, जो करेगा उसको फल मिलेगा। तो कर्म का जो फल है ये बड़ा ही एक विचित्र फल है, और ईश्वर का न्याय है, चाहे देर से मिले चाहे जल्दी, भगवान के दरबार में देर है अंधेर नहीं। अब देर तो होगी, पिछले जन्म में हमने किसी की आंख निकाली तो आज अंधे हैं, रामायण में लिखा है जिस अंग से जो कर्म करोगे वैसे अंग, अगर हाथों से किया तो हाथों का दंड मिलेगा, आंख से किया तो आंख का, कानों से कान का, और पैरों से किया पैर का, जिस तरह के जिस चीज को उस प्रकार का दंड मिलेगा। तो ये तो हमने रामायण में एक जगह लिखा है कि ये हमें इस कर्म को जरूरत है। तो जो कर्म है, अब हमने ये देखना होता है कि योग क्या कहता है कि हम किस तरह के कर्म करें कि जिससे हमें दुख भी ना आए और आवागमन का चक्कर भी ना पड़े, हम कर्म करते हुए मोक्ष प्राप्त कर ले। देखो एक ही चाकू है, उससे चाहे आप किसी को जख्मी कर दो, चाहे आप उसे कलम या सब्जी काट दो, चाहे उस चाकू से कोई फंसा हुआ है तो उसका फंदा काट दो, चीज तो एक है, वही कर्म है। इन सब कर्मों के लिए गीता के अंदर में बड़ा शब्द है, क्यों गर गीता जो है वो उसको कहते हैं ये कर्म शास्त्र है। जब अर्जुन को कर्म की तरफ देख दे रहे हैं कि लड़ो 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 तुम्हारा वही लड़ाई, अगर हम किसी को बाहर कत्ल कर दें तो हमें फांसी मिलेगी, और युद्ध में किसी को मार देते हैं तो उसको विक्टोरिया क्रॉस मिलता है या भारत रत्न मिलता है या भारत भूषण मिलता है, मार उसने मारा उसने, क्यों कि बात यह है कि वही कर्म किसी भगत अच्छा होता है कहीं बुरा होता है। तो शास्त्र में गीता में खास कर इसको कर्म को तीन समाता है, एक विकर्म, एक कर्म और एक अकर्म। एक श्लोक है गीता का, आप वहां दे नहीं सकते हैं, ये श्लोक है आपके चौथे अध्याय का चौदहवां श्लोक, कर्मणो हि अपि बोधव्यम बोधव्यम चो विकर्मणा अकर्मणश्चापि बोधव्यम ज्ञाना कर्मणो गति। इसका अर्थ है कि हम सबको ये जानना चाहिए कि कर्मणो अपि बोधव्यम, कर्म किसको कहते हैं और विकर्म किसको कहते हैं और अकर्म किसको कहते हैं, ये तीन जो है हम करते तो रोज हैं लेकिन इनको समझ कर अगर करेंगे तो ना समझ के करेंगे तो या नरक में जाएंगे, और कुछ समझ के करेंगे तो आवागमन के चक्र में पड़ेंगे, और बिल्कुल अच्छी तरह विचार पूर्व करेंगे तो मोक्ष में जाएंगे। कर्म भाई उसी कर्म से दिल फल मिल जाएंगे, और
इसके लिए कहा कि ये जानना कोई आसान काम नहीं है, ये जानना बड़ा मुश्किल है, इसके लिए गुरु चाहिए, इसलिए आपको बुद्धि चाहिए। कहते हैं कि कर्म जो है इसमें कवियों और प्रियतर मोहिता, इसमें बड़े बड़े विद्वान ही मोह पड़ जाते हैं कि क्या ठीक है क्या गलत है। अब जहां पर जरूरत पड़ती है बप्रभु जी की, गुरु जी की, कि अब क्या कर्म करना है, तो इसलिए योग शुरू कर्म से होता है। जो योग यम नियम का पालन करेगा उसके लिए तो कर्म तो करता है, लेकिन उसको पता नहीं क्या करना है। तो प्रभु जी ने आकर हमें यम नियम का उपदेश दिया, इन पर चलना है। तो गीता क्या कहती है, किस तरह करना है, अब प्रभु जी हमें योग दिया तो कहा, गीता भी कहती है क्योंकि भगवान कृष्ण प्रभु तो एक ही है, एक तरह के उपदेश दिया है। और भगवान जब आते हैं तो अत्याचार का नाश करने आते हैं ना, कि राम भी आए अत्याचार का नाश करने आए, कृष्ण भी आए, और जब अंग्रेजों ने अत्याचार किया तो प्रभु जी आ गए, आजादी ले गई, अत्याचार का नाश होते हैं, वो नहीं देख सकते उसके, उनके संसार के जीवों के ऊपर को अत्याचार करें। आप जानते हैं अंग्रेजों ने कितने अत्याचार किए थे, प्रभु जी आ गए, अंग्रेजों को यहाँ से निकलना पड़ा क्योंकि भगवान आ गए थे, उन्होंने ऐसे ऐसे परिस्थितियां बनाई, ऐसे लोग पैदा किए जिन्होंने उनका विरोध किया। तो इसलिए गीता कहती है, प्रभु जी कहते हैं कि कर्म करो तो योगस्थ कुरु कर्माणी, योग में स्थित होकर कर्म करो। ये भी गीता में आप देखेंगे, ये गीता के मंत्र आपको मिलेगा लिखा हुआ, योगस्थ कुरु कर्माणी। अब योगस्थ कुरु कर्माणी, योग में स्थित होकर कर्म करना है, तो फिर वही यम नियम है, यम नियम को किस तरह पालन करना है ये हमारे सामने आगे पढ़ कर आएगा। तो अब वही कहते हैं कि योगी पहले ये देखेगा कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है। अब मोटे शब्दों में विकर्म जो होता है ना, वो होता है बुरा कर्म, जो जान बुझ कर हर समय सत्य के ना बोलकर झूठ बोलता रहता है, विकर्म पाप हो गया ना। अब हम देखें, अगर हम झूठ बोलने की आदत डाल लें, बोलना तो है इसलिए मान ने बोलना है, लेकिन झूठ ही बोलते रहे तो विकर्म हो गया, उसके पाप से बच नहीं पाएंगे। और कहते हैं युधिष्ठिर ने आधा झूठ बोला था ना, ये कह दिया, जो महापुरुष उसके पास आया था विश्वास लेके आया था कि मुझे सच्चाई यहीं से मिलेगी और कहीं से सच्चाई नहीं मिलेगी, तो उसने, उसको पता था कि सच्चाई क्या है, फिर भी उसने कह दिया। द्रोणाचार्य ने पूछा कि मेरा पुत्र जो अश्वत्थामा क्या मर गया, आपको पता है क्यों मर गया, वो लड़ाई थी 50 मील इधर 50 मील इधर 50 मील, कुरुक्षेत्र का मैदान 50 मील लंबा चौड़ा है और सेना करोड़ों की संख्या में वहां लोग इकट्ठे थे, क्या पता कहां मरा कहां नहीं मरा। तो कहने, अब मैं पूछता हूं, अब उस आदमी के पास आया जो के धर्म पुत्र था, जिसने बचपन में ही पाठ पढ़ा था सत्यवाद, पहला पाठ ही होता था, आजकल तो किताबें और तरह की हैं, जो प्राइमर होते थे हमारे पुराने संस्कृत के, उसका पहला पाठ होता सत्यवाद धर्मम चर। तो आज लोग मजाक करते हैं कि भाई बात तो ठीक है, सत्य आजकल पाठ ऐसे को सत्यवाद सत्य को मार दो और धर्मम चर धर्म को खा लो बस। बात ये वो बात थी कि सत्य बोलो और धर्म के ऊपर चलो, ये बच्चों को पढ़ाया जाता। तो उस कहते हैं धर्मिष्ठ ने ये पाठ पढ़ा, लेकिन मास्टर जी का मुझे भी याद नहीं हुआ, याद नहीं हुआ जी, मैं अभी मेरे से झूठा बोला जाता है। इस तरह मास्टर का आवाज, तुम धर्म पुत्र, तुम ठीक हो, तुमने ठीक पढ़ा है, तो वो धर्म पुत्र बन गया। तो द्रोणाचार्य उसके पास आया तो उसने क्या कहा, कुंजर को हाथी कहते हैं, नर को मनुष्य कहते हैं, उसने कह दिया हाँ मारा गया,
अरे क्या जब मेरे उसके हृदय में कहा नहीं ये मैं गलत कह रहा हूँ, उसे कुछ कह नर होगा कुंजर होगा पता नहीं मनुष्य के हाथी। जब नर तो कह दिया, जब कुंजर कहने लगा तो उतने ढोल बजने से आगे हाँ कह दिया इसने कह दिया और उसने ही नहीं इसने और द्रोणाचार्य के हाथ से गिर गया। भगवान कृष्ण तो रानी की नीति जानते थे, अब उसको मार दो अगर उसको इसका वो द्रोणाचार्य खत्म ना होता तो जीत नहीं होनी थी। जीत क्योंकि इधर तो दुगनी सेना थी, 18 अक्षौणी सेना कुरुक्षेत्र के मैदान में थी जिसमें 11 अक्षौणी तो उनकी थी और 7 अक्षौणी इनकी थी। अक्षौणी में लाखों मनुष्य होते हैं, 7 अक्षौणी में कोई मनुष्य गणना नहीं होती कोई, और हार तो नहीं थी। और इधर द्रोणाचार्य है, भीष्म है, कर्ण है और उधर बेचारे और 100 पांडव उनके कौरव हैं और इधर बेचारे 5 पांडव 7 छोटे छोटे योद्धा। परंतु ये दिखलाया गया है कि जिधर योगेश्वर हो कृष्ण हो वहाँ जीत होगी, जहाँ प्रभु जी है वहाँ जीत होगी। गीता का मैं कह रहा हूँ, गीता के अंत में यही लिखा गया है कि ये ठीक बात है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पांडव धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति इति मां। जहां कृष्ण होगा वहां नीति भी ठीक होगी और विजय भी होगी और सब कुछ ठीक होगा। अब हम कितना भी कर्म करें प्रभु साथ ना हो तो हमें फेल ही होगा। जब हमारे पास स्टूडेंट आते हैं कि जी मेरी परीक्षा हो रही है, मैं कहता हूँ भाई देखो प्रभु जी को याद करो और मेहनत करो, एक चीज काम नहीं आएगी, केवल आ जाके प्रभु जी मेरे पास करते तो प्रभु जी तो भी पास करेंगे नंबर पे अच्छे दिलवाएंगे, काम बनवा देंगे, लेकिन पढ़ाई भी तो करनी पड़ेगी। तो यही कहा कि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा, दो चीजें जरूरी है, हमारी मेहनत भी और भगवान की कृपा भी। इसीलिए अंग्रेज में है गॉड हेल्प्स दोस हु हेल्प देमसेल्फ्स, ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। तो अब अगर हम प्रभु जी के यामिनी में सुन ले और अगर हम यही कहें कि भाई हम इस जुबान से दूसरी बोलते रहे तो इसका फल तो हमें मिल नहीं है। अगर हम हत्या करते रहें, हत्या का फल 4-5 लोगों को मिलता है। एक तो अब देखो मांस ही खाते हैं ना, एक कहते हैं जो शास्त्र में लिखा है, एक जो मारता है जो बेचता है जो मारता है जो खाता है जो ला के देता है, ये सारे फंस जाते हैं ना। सरकार में तो यही है कि उसने बम चलाया पर दिया किसने और ये सारे पकड़े जाते हैं, कोई छूटता नहीं है। चाहे ये नहीं कि 12 साल के सब आगे आ रहे हैं और पिछले जन्म के फल अब हमें मिल रहे हैं, क्यों किया ना कुछ पकड़े गए वो रिकॉर्ड में हो गया। आजकल तो हमें कंप्यूटर का पता लगा ना जो रिकॉर्ड हो जाता है, ईश्वर का कंप्यूटर तो करोड़ों साल पहले ही बना हुआ था। चट इसको धर्मपुत्र कहते हैं, धर्मपुत्र क्या है, ईश्वर का कंप्यूटर है, हमने किया और वहां एंटर हो गया और एंट्री जो है मिसेगी नहीं, उसका फल जरूर मिलेगा। तो इसलिए ये भी कर्म से बचना है। अब कर्म क्या है, कर्म जो हम लोग करते हैं कभी अच्छा किया कभी बुरा किया उसका ईश्वर की सृष्टि चलती है, आवागमन चलता रहता है कर्म, इसलिए कर्म सबको करना पड़ता है। परंतु योगी जो है वो जो करता है वो योग में कहा है कि नहीं मुक्ति लेनी है ना तो अकर्म करो। अकर्म कैसे करते हैं फिर, अब कहां से मिलेगा अकर्म क्या होता है, ये भी शास्त्र में मिलेगा। हम शास्त्रों को पढ़ते ही नहीं है, पढ़ते भी हैं तो इसलिए पढ़ते हैं कि मैंने मेरी लड़की का विवाह हो गया मैं पाठ कर रहा हूँ, शास्त्र इसलिए थोड़ी बने, शास्त्र पढ़ने के लिए विचार करने के लिए मिले हैं। तो अकर्म क्या है, अकर्म को गीता में कहा ये अकर्म वो है जिसको हम निष्काम कर्म कहते हैं। निष्काम कर्म का मतलब है कि हम कर्म तो करें अपने धर्म समझकर फल की इच्छा छोड़कर,
मेरी ड्यूटी लगी है कहीं, मैं ड्यूटी करूं, लेकिन यही समझो ड्यूटी कर ली है। जैसे माता पिता होते हैं, देखो बच्चों की सेवा करते हैं, वो अकर्म कर दो उस दृष्टि से देखे। माँ बच्चे का हर तरह से ध्यान रखती है, बच्चे की सेवा करती है, बच्चे को पालती है, उसके मन में ये जरा नहीं ख्याल होता कि मुझे बड़ा होकर मेरी सेवा करेगा, वो है ना अकर्म इच्छा। इस तरह से जब सारे कर्म इच्छा करते हैं कि हमारा धर्म है, हमारी ड्यूटी है, पर हम करते नहीं है, तो ये गीता में कहा कि हम इच्छा कर्म करें कि ये हमारा कर्म करने का मेरी ड्यूटी है, और ड्यूटी भगवान ने लगाई हुई है। और भगवान ने जब कहते कर्म 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 तीन चीजें हैं, तो भगवान ने ये नहीं कहा तुम अच्छे ही कर्म करो, ना भगवान ने कहा ये बुरे कर्म करो, ना भगवान ने कहा तुम अकर्म करो। भगवान ने तो कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। एक आदमी ने पूछा महाराज से, आगमय गुरु से, महाराज कि इसी बारे में तुमने कहा नहीं, देखो ईश्वर ने हमें कर्म करने की छूट दी है, फल अपने पास रखा, बच्चा लड़का मेहनत करे या ना करे हम ध्यान उसे देना है। एग्जामिनर ये नहीं आए कहेगा तुम पढ़ो, लेकिन पेपर वही देखेगा। तो भगवान ने हमें पूरा अधिकार दिया है, स्टूडेंट को पूरी में छुट्टी है, पढ़े या ना पढ़े। तो इसलिए भगवान ने कहा कर्मण्येव अधिकारास्ते, गीता में लिखा है तुम्हारा पूरा अधिकार है कर्म करने पर। मुझे भगवान आके ये नहीं करेगा तुम ना करो, कभी भगवान नहीं आके कहेगा तुम टर्की ना मारो, या तुम देवी के आगे बलि ना दो, या तुम किसी को गाली ना दो, भगवान कभी नहीं कहेगा। कर्म नहीं अधिकार है, तुम्हें पूरी छुट्टी दी है, लेकिन आगे जो फल है माँ फलेशु कदाचन, तुम्हारा फल के ऊपर अधिकार नहीं है। तुमने पढ़ा है नहीं पढ़ा पेपर लिख दो, पर ये डिक्टेट नहीं कर सकते कि तुम्हें नंबर भी तुम्हारे हाथों से लगवाऊंगा, वो नहीं होगा, नंबर मैं नहीं लगाने है। तो इसलिए गीता का जो है बड़ा मार्ग का श्लोक है, ये दोनों श्लोक बड़े अच्छे हैं कि कर्मण्यपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणो, अकर्मण्यपि बोधव्यम, ज्ञानाकर्मस्य गति, कर्म की गति बड़ी ज्ञान है, बड़ी डिफिकल्ट से पता लगता है क्या कर्म करना है। पंडितोपि अत्र मोहिता, कभी अप्यस्य मोहिता, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे इसको स्पष्ट कौन करेगा, गुरु स्पष्ट करेगा ना, जो कहेगा भाई। इसलिए कहते हैं गुरु का वचन जो होता है वेद वचन होता है, वो गहराई तक जाता है, वो जो हमारी बात में समझ नहीं आ सकती वो समझा देता है। तो इसे कहते हैं फल की इच्छा, तुम्हारा फल तुम्हारे हाथ में है, लेकिन इसलिए तुम ये मत सोचो कि फल मिलेगा। मां कर्म फल हेतु भू, कर्म का हेतु मत बनो, ये मत करो कि अपनी सिफारिश एग्जामिनर के पास भिजवा दो जो नंबर बढ़वा देगा, ईश्वर के दरबार में नहीं है, इसको फल हेतु दो। कहीं आगे थे, अब तो पार्ट वन पार्ट ऐसे कहते हैं, आगे तो कहते हैं दो क्लासों का मेडिकल होता क्लास होता जिसमें है मेडिकल नॉन मेडिकल जो होते इंटरमीडिएट के, जो नंबर आया उसके मेडिकल में दाखिल होगा। और बड़े हमारे उन्होंने देखे प्रोफेसर लोग स्टूडेंट्स को अपना रहे थे, तुम स्टूडेंट हो अच्छा मैं तुम्हें डॉक्टर बना ही लूंगा, सारे एग्जामिनर पर जाता था, नंबर लगवाता था, बढ़ाता था, नंबर आ गए मेडिकल में दाखिल हो गया, कंपटीशन ही होता था। लेकिन यहाँ ये नहीं चलेगी, माँ फल हेतु भू, वो फल के हेतु बन जाते थे, बन जाते थे, यहाँ नहीं बनेगा। माँ फल हेतु भू, फल के मिलने के कारण मत बनो। कैसे, कि किया है पाप और मंदिर में जाकर माथा टेका कि मेरा काम बन जाए, मंदिर वाले कैसे, भगवान कैसे माफ कर देगा, वो फल हेतु हो गया ना, कि हम कर बुरा कर्म करके फिर मंदिर में जाकर माथा टेकते हैं, हे देवी अगर मैं ये हो गया मेरा तो मैं आपके मिन्नत मानूंगा, आपके आगे एक सोने का छत्तर ठहरा दूंगा, यो करूंगा, ये फल हेतु होता है, मगर बनता कुछ नहीं है। इसलिए इन चीजों में मत पड़ो। कोई देवता, कोई ऋषि, कोई गुरु, कोई पैगंबर आपके पापों को माफ नहीं करवा सकता, वो यही कहेगा कि तुम अच्छे कर्म करो।
ये तो शास्त्र, हमारे शास्त्र बिल्कुल स्पष्ट बाती है, माँ कर्म फल है, तू कर्म के फल के कारण बनने की कोशिश मत कर। फिर क्या करें कि ऐसा होता है भाई, पहले तो काम तो ही करते हैं, जब हमने ये करना है, मैं किस लिए पढ़ रहा हूं, मैंने ये बनना है, अब मैंने बनना है, ये बनना है, तो इसी इच्छा को लेकर पढ़ते हैं ना, तो अगर ये नहीं होगा तुमने बनना ही नहीं, काम ही छोड़ देगा, तो कर्म तो छूटता नहीं। फिर भी भगवान कृष्ण गीता कहते हैं ना कि अगर तुम ना लड़ना चाहोगे फिर भी तुम्हें लड़ना पड़ेगा, प्रकृति तुम्हारी मजबूर कर देगी, तुम्हें किसी ने आकर मेरा गाली दी तो मुझको मार दोगे, लड़ना देखिए तुम्हारा धर्म है, कर्म करना मनुष्य का धर्म है, कोई मनुष्य कर्म करेंगे ऐसा होता। इसलिए क्या साफ लिख दिया कि माँ ते संगो अस्तु अकर्मी, तुम्हारा कर्म छोड़ने में भी तुम्हारा मानना बने, कर्म करना ही करना है, हर जगह तुम्हें लड़ना ही लड़ना है, जीतो या हारो इसका बात नहीं है, तुम्हें लड़ना ही लड़ना है। तो इस प्रकार यम और नियम जो है उनके अनुसार कर्म करें तो हम अच्छी तरह करेंगे, उनको ना पालेंगे तो पाप लगेगा, विकर्म हो गया विकर्म। अगर हम पालन करने की कोशिश करेंगे, कभी छूट भी जाता है तो वो तो फिर दोनों का फल मिलेगा, अब आगे में चक्कर हो गया। और अगर हम अकर्म के ढंग से करेंगे कि फल की इच्छा छोड़कर धर्म करते ड्यूटी समझकर करेंगे तो उसको कर्म हो जाता है, उसको निष्काम कर्म दूसरा शब्द की तरह कहते हैं, निष्काम कर्म, कामना नहीं कर्म अपना धर्म कर रहे हैं, उससे मनुष्य को जो है क्योंकि उसके संस्कार नहीं बनते ना, वो बड़ी गहरी फिलॉसफी है, क्यों नहीं होता, वो सारा कर्म संस्कारों के बनते, संस्कार नहीं बनते उसको मोक्ष मिलता है। इसलिए हम यमनियों का पालन करने का यत्न करें, ये ना कहें कि बस हमारी फल जट मारी समाधि लग जाए, वो फल की इच्छा करना समाधि लग जाए, चाहे जो भी बोलते रहे वो नहीं होगा, करना है कर्म करना है, फल भगवान की इच्छा है। अब यहाँ योग करने लोग आते हैं, हम उनको साधन करवाते हैं, ये नहीं हम कहते कि इन साधनों से तुम बीमारी चली जाएगी, नहीं चले, बस तुम्हारा काम है साधन करना, अगर ठीक ये करते हैं बीमारी चली भी जाती है ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन पहले इच्छा रख कर ये करना कि हमने कोई आते दो दिन में करते होगी, अभी तो गला वैसे का वैसा है, अगर तुमने पहले ही फल की इच्छा रख ली, पहले तुम कर्म करते जाओ, कर्म करते जाओ, कर्म का फल होगा। तो इसलिए योग जो शुरू होता है ये उन लोगों की बात नहीं सुननी जो कहते हैं योग नाम समाधि का है, योग नाम कर्म का है, यम नियम का नाम योग है, जो यम नियम पर चलेगा उसका जो है समाधि भी लग जाएगी, जैसे अब साफ लिखा है ईश्वर समाधि सिद्धि ईश्वर परिधान भक्ति करने की समाधि भी लग जाएगी, या उस दिन सारा बताया था वो सत्य बोल सत्य वक्ता होता है, सदा सत्य बोलता है, उसकी जुबान में बहुत शक्ति भी आ जाती है। तो इसलिए हमें कर्म करना है, और कर्म का हमेशा ध्यान रखें, और ये याद रखें कि कृतम समार जो वैदिक वचन है, अपने कर्म के ऊपर ध्यान दें, प्रभु जी को याद करना ही करना है, लेकिन कर्म को नहीं भूलना, हम कर्म को भूल जाते हैं, प्रभु जी करते हैं कि प्रभु जी माफ कर देंगे, माफ नहीं होगा, होगा वही जो किया है। बोल श्री सच्चिदानंद महाप्रभु श्री राम।